आज हम भारत में राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे। भारत में राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग आज़ादी के आंदोलन के समय से ही चली आ रही है। कांग्रेस ने 1915 से ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन मांग का पुरजोर समर्थन किया था। राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि भाषा क्षेत्रीय या स्थानीय रूप में उस क्षेत्र विशेष से लोक संस्कृति आचार विचार और सामाजिक रीति रिवाजों से गहरे से जुड़ी होती है। इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा में प्रशासन और राजनीतिक कुशलता प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना काफ़ी हद तक जायज है और साथ ही साथ लोकतंत्र की सफलता के लिए भी आवश्यक है कि अधिकतम लोगों की मांगों का समर्थन किया जाए और लोगों की जो स्थानीय महत्वाकांक्षाएँ उन्हें पूरी की जाए। लेकिन साथ ही साथ भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से कभी कभी आंतरिक सुरक्षा की भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद भारत की आज़ादी के बाद जो संविधान सभा की समिति या संविधान सभा में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का ही विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। इसमें जो संविधान सभा थी उसमें यह विचार किया गया कि भारत में जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान राष्ट्रों के रूप में, उसके सामाजिक धार्मिक और प्रशासनिक और आर्थिक और राजनीतिक जो कट अनुभव प्राप्त हुए थे उसके आधार पर संविधान सभा ने भाषाई आधार पर राज्यों के जो पुनर्गठन की मांग को स्थगित करना ही अच्छा समझा या उसकी उपेक्षा की। लेकिन जो राज्य थे मुख्यतः दक्षिणी भारत के राज्य थे उनमें भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने की मांग प्रबल रूप से उठने लगी। इसके लिए 1948 में एसके धर के नेतृत्व में धर आयोग की नियुक्त की गई। धर आयोग ने बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए या आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक है। इसलिए भाषाई आधार पर एसके धर की रिपोर्ट में राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया गया। एसके धर की रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में राज्यों के पुनर्गठन की मांग प्रबल रूप से उठने लगी और ऐसी मांग मुख्य रूप से तेलुगु भाषी क्षेत्रों में, दक्षिण भारत के आंध्र के क्षेत्रों में उठने लगी। इसके बाद 1948 में JVP समिति गठित की गई। JVP समिति का अर्थ है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई जिसने 1949 में यह रिपोर्ट सौंपी और उसने भी उस रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की उपेक्षा की। लेकिन उसने जो तेलुगु भाषी क्षेत्रों में जो व्यापक जन आंदोलन हो रहे थे उन लोगों से यह कहा कि यदि मद्रास को छोड़कर तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए तो हम ऐसी मांग पर विचार कर सकते हैं। लेकिन जो तेलुगु भाषी क्षेत्र के लोग थे वो JVP समिति की रिपोर्ट से असंतुष्ट हो गए और उन्होंने भाषाई आधार पर अर्थात तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की गठन बहुत जोरदार तरीके से रखी। इस परिप्रेक्ष्य में जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रख्यात कांग्रेसी नेता श्री रामोलु, उन्होंने 55 दिनों का आमरण अनशन किया 1952 में और 58 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वहाँ हिंसात्मक तरीके से आंदोलन हुए तेलुगु भाषी क्षेत्रों में और इसके फलस्वरूप सरकार ने 3 दिन बाद आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी मद्रास राज्य को मिलाकर। इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य संविधान बनने के बाद। इसके बाद अगस्त 1953 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम या आयोग गठित किया गया।
इसके सदस्य जस्टिस फजल अली, के एम पड़ेकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने ये बताया कि केवल भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता, इसमें प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कुशलता भी प्राप्त करना जरूरी है। इस आधार पर सबसे पहले आंध्र का नाम बदलकर आंध्र प्रदेश रख दिया गया और बम्बई राज्य में सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा और नागपुर मंडल के क्षेत्र जोड़े गए और बम्बई राज्य का दायरा बढ़ाया गया। इसके बाद केरल राज्य का गठन किया गया, इसमें मालाबार, कोचीन और दक्षिणी कनारा के क्षेत्र जोड़े गए। इसके बाद मध्य प्रदेश में बिंद, मध्य भारत और भोपाल का विलय किया गया और मध्य प्रदेश का क्षेत्र विस्तृत किया गया। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह को संघ राज क्षेत्र से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, अर्थात इसको राज्य से हटा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और साथ ही साथ दिल्ली को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1960 में बम्बई में जो मराठी भाषी क्षेत्र के लोग थे वो बम्बई राज्य के गठन से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उत्तरी भाग में गुजराती क्षेत्र था, जो गुजराती भाषी क्षेत्र था, और दक्षिणी भाग में मराठी भाषी क्षेत्र था। तो बम्बई के लोग एक अपना अलग क्षेत्र चाहते थे, अतः उनकी मांगों को पूरी करते हुए सरकार ने 1960 में उत्तरी भाग, बम्बई के उत्तरी भाग को काटकर गुजरात गुजराती भाषी राज्य बनाया और बम्बई के दक्षिणी भाग को काटकर महाराष्ट्र राज्य बनाया मराठी भाषी। 1962 में नागालैंड राज्य बनाया गया। उसके बाद 1966 में भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित पेप्सू राज्य का विभाजन पंजाब और हरियाणा राज्यों में किया गया। पंजाब क्षेत्र सिख बहुल क्षेत्र था, साथ ही साथ पंजाबी भाषी क्षेत्र भी था और सिखों की आज़ादी से पहले भी अलग राज्य बनाने की मांग थी। इसी आधार पर हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को बनाया गया पेप्सू से अलग करके, और इसके बाद विवाद उत्पन्न हुआ इन दोनों राज्यों में राजधानी बनाने के लेकर। चंडीगढ़ को राजधानी बनाया गया, जिस पे पंजाब और हरियाणा ने दोनों ने दावा किया अपनी अपनी अलग राजधानी बनाने का। केंद्र सरकार ने दोनों की बातों को ना मानकर चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया और पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ बना दी। इसके बाद 1970 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 1971 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर राज्य का दर्जा दिया गया। 1974 और 75 में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को सहयोगी राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया या उसका विलय किया गया, और 1975 में सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। इसके बाद 1986 में नेपा के क्षेत्रों को मिलाकर उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं चीन से लगे हुए उन क्षेत्रों को मिलाकर अरुणाचल प्रदेश राज्य बनाया गया। नेपा का मतलब है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसके बाद 1986 में ही मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 1987 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से हटा के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और गोवा भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। इसके बाद नवंबर में मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। नवंबर में ही उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया और नवंबर में ही बिहार राज्य का विभाजन करके झारखंड राज्य बनाया गया नवंबर 2000 में। इसके बाद फरवरी 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनाया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा 5 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दिया गया, और इसमें 2019 में ख़त्म करने के बाद अनुच्छेद 370 के प्रावधान समाप्त कर दिए गए और अनुच्छेद
35 से बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1950 के बाद शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य को राज्य का दर्जा खत्म करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, साथ ही साथ उसका विभाजन भी किया गया। तो ये तो हुआ भारत में राज्यों का पुनर्गठन।